सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज हम 7th क्लास में पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22। दिए आधार ए बी पर त्रिभुज ए बी सी दी हुई त्रिभुज के सजातीय त्रिभुज बनाओ। तो आज हम FA3 का ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का सिलेबस आगे शुरू कर रहे हैं। अभी तक हमने FA1, FA2 और मिला करके ये SA1 का सिलेबस होता है, दोनों सिलेबस को मिला करके ये हमने सारा अपना कवर कर लिया था। अब हम ज्योमेट्रिक में आगे का कार्य शुरू कर रहे हैं। ये FA3 का भी आपका काम चल रहा है। तो पहला ही इसका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22। तो ये मैं आपको बताता हूँ, इसमें त्रिभुज दी हुई है, उसके सजातीय हमने एक त्रिभुज बनानी है। तो मैं पहले वो त्रिभुज ले लेता हूँ जो हमें दी हुई है। तो वो त्रिभुज पहले ले लेते हैं। यहाँ पे विषम भाव भी हो सकती है और समद्विबाह भाव भी हो सकती है और किसी तरह की भी हो सकती है। ये सपोज करो हमने इस तरह की एक हमारे पास त्रिभुज है, ये दी हुई त्रिभुज आपकी है और इसका मैं नाम दे देता हूं ए बी और सी। इसमें हमने ये दो कोण जो हमारे पास दी हुए है, ये वाले कोण है, ये कोण नंबर ये आप देख सकते हैं, ये दो एंगल इसमें है। एंगल तो एक्चुअली त्रिभुज में तीन होते हैं पर हम दो अगर सही ले लेंगे तीसरा हमारा ऑटोमेटिक ही अपने आप ही आ जाएगा। इसका हम नाम देते हैं एंगल 1 और ये एंगल 2 हम मान के चलते हैं। अब हमने रेखा खींचनी है, ये इसमें कहा कि ए बी रेखा पे एक त्रिभुज बनाओ, तो ए बी रेखा ले लेते हैं। ये तो आसान कार्य है, मुश्किल नहीं है। इस तरह से ये देखो मैं थोड़ी बड़ी ले ली ए बी रेखा, अच्छे से बनाएंगे। इस पॉइंट का नाम बी है, इस पॉइंट का नाम ए है। अब इसको कैसे सजातीय हम बना सकते हैं, देखिए उसके लिए हमने ये इतनी प्रकार खोल लिया जितना आपका ये एंगल है। हमने यहाँ से जो है वो चाप लगा देनी ए से, इस तरह से इतनी ही है, ये है, ये तो हमने यहीं से लगा रखी है। तो हम इतनी प्रकार खोल के यहाँ से भी लगा देते हैं। डॉटेड का आपने विशेष ध्यान रखना है, इस तरह से। अब देखो पहले हम ये कौन बनाएंगे, तो ये देखो इससे कम है, अब देख रहे हैं हम प्रकार इतनी रखेंगे जितना ये देखिए बिल्कुल इक्वल है। यहाँ पे हम ये इस तरह से हम काट देंगे और अब हमने इतनी प्रकार को, ये देखो ये बड़ा कोण है, ये हो सकता है, मैंने पहले ही आपको कहा था कि ये विषम भाव हो सकती है, समभाव हो सकती है, देखिए इस तरह से समद्विबाह भाव हो सकती है, इस तरह से ये दी हुई है, कितनी भी हो सकती है। अब हमने पहले यहाँ से भी रेखा लगानी है और हल्की लगानी है क्योंकि हमें नहीं पता ये कहाँ जाके मिलेगी। तो हम यहाँ पे पहले हल्की रेखा लगा देते हैं और यहाँ पे भी हम पहले हल्की रेखा लगाएंगे। ये देखिए आप यहाँ पे ये मैं रेखा लगा रहा हूँ, तो ये देखिए ये आगे जा रही है। अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ ताकि ये सही जगह मिल जाए हमारी, ये आपकी मिल रही है। अब मैं इसको डार्क कर सकता हूँ इस तरह से, ये आपकी उत्तर की रेखा है और अब हम इस रेखा को भी यहाँ से डार्क कर देंगे। ये देखिए यहाँ से अब मैं इसको जो हमारी फालतू रेखा थी इसको हम मिटा देंगे। अब ये आपका एंगल 1 है, ये आपका एंगल 2 है और ये जो आपका पॉइंट आया, ये पॉइंट आया सी। इस तरह से हम सजातीय त्रिभुज जो आपकी दी हुई त्रिभुज है इसके सजातीय हम जो है वो दूसरी त्रिभुज उसी के समान जो त्रिभुज हमने बनाई है, इसकी रेखा छोटी है, इसकी रेखा बड़ी है, इसलिए ये रेखा इसकी बड़ी बन गई है। एंगल इक्वल है, बराबर है, इसलिए ये जितनी ये है उतनी ये हमारी त्रिभुज बनी हुई है। ये प्रश्न नंबर आपका है 22। अब हम बनाएंगे प्रश्न नंबर 23। तो अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। दी हुई परिमिति DE पर दी हुई ABC त्रिभुज के सजातीय त्रिभुज बनाओ। तो इसमें भी त्रिभुज दी हुई है पर इसमें दी हुई है परिमिति,
और पहले ऊपर जो है सिर्फ ए बी रेखा दी हुई थी, इतना फर्क है। आपने ध्यान रखना है अगर ए बी रेखा दी हुई है तो ऐसे बननी जैसे हमने 22 में बनाई है, और यदि परिमिति दी हुई है तो आपकी कैसे बनेगी ये मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे किस तरह से बनेगी। अब देखिए यहाँ पे हम पहले एक त्रिभुज ले लेते हैं जो हमें दी हुई है, वी कितनी बड़ी हो सकती है, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ त्रिभुज। आपने भी इस तरह से त्रिभुज ले लेनी है, ये आप देख सकते हैं ये हमने त्रिभुज ले लिए, इसके नाम हम देते हैं ए बी सी, और इसमें भी हमने इसी तरह से एंगल बनाने हैं जैसे हमने पहले निकाले थे इसके एंगल 22 में, तो 23 में हम इसी तरह से निकालेंगे, ये आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसके नाम दे देते हैं कि एंगल आपका 1 है, ये आपका एंगल 2 है, इस तरह से हम ले लेंगे। अब हमने यहाँ लेना है परिमिति, तो परिमिति की मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ। परिमिति किसे कहते हैं, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग को परिमिति कहते हैं। तो मैं यहाँ पे परिमिति की परिभाषा मैंने आपको बता दिया, मैं परिमिति ले लेता हूँ यहाँ पे, ये आपकी रेखा आ गई है, इसको हम बोलेंगे परिमिति, और इसका नाम है डी ई। अब ये पॉइंट ई है और ये पॉइंट आपका डी है, जब भी मैं कहूंगा कि डी पे प्रकार रखो या ई पे रखो तो आपने इन अक्षरों पे नहीं रखना है, इस पॉइंट पर रखना है, इन पॉइंटों के नाम दिए हुए। देखो अब सबसे पहले हमने वही काम करना है जो हमने पहले 22 में किया था, हमने ये देखो इतनी प्रकार है तो हम इतनी प्रकार खोल के यहां से चाप लगा देंगे, बिल्कुल आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल खेल खेल में अच्छे से सीख सकते हैं ज्योमेट्री इस तरह से। अब हम पहले ये देखते हैं कितना बड़ा है ये आपका, ये देखिए इतना बड़ा ये एंगल आपका है, तो हम यहाँ से इसको इस तरह से काट देंगे, ये कितना है ये इससे थोड़ा छोटा है तो हम उतनी प्रकार खोलेंगे जितना है, ये देखिए ये मैं यहाँ पे चाप लगा दूंगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे डॉटेड लाइनें लगानी है, इनको मिला देना है चापों को, ये देखिए यहाँ से बिल्कुल सेंटर से, तो यहाँ से हम डॉटेड लाइन के साथ इसको ऐसे मिला देते हैं इस तरह से, यहां भी हम इसको मिला देते हैं डॉटेड लाइन के साथ, ये देखिए ये हमारा एंगल 1 है, ये हमारा एंगल 2 है। अब आपने क्या करना है, ये जो आपका कोण आ रहा है ना, ये कोण आ रहा है आपका, आपने क्या करना है इसका आधा कर देना है, यहां से देखो ये हमने आधा कर दिया, और यहाँ से हम जो है वो लाइन लगा देंगे, डॉटेड लाइन हमारी आएगी इस तरह से, ये अब हमने इतनी प्रकार खोल ली जितना ये इधर को है, ये आधे से ज्यादा भी खोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, और इतनी खोलो तो आप तो भी कोई समस्या नहीं है इस तरह से। और अब हम इसको यहाँ पे ऐसे काट देते हैं, और अब यहां से भी हम जो है वो लाइन लगाएंगे एक, ये हमारी डॉटेड लाइन आ रही है, इस लाइन को हम बढ़ा देंगे और ये लाइन हमारी जाएगी यहां तक, यहां तक जाएगी जहां पे ये रेखाएं आपस में कट रही है, ये देखिए ये पॉइंट आपका आ गया सी। अब आपने क्या करना है, इसमें जो आपके पास सी ई एक रेखा है, सी डी एक दूसरी रेखा है, आपने इन दोनों रेखाओं का संधि भाजन करना है, और मैंने आपको संधि भाजन बता रखा है कि रेखाओं का संधि भाजन कैसे करते हैं। तो आपने अभी तक ए बी रेखा का संधि भाजन किया था जो सीधी रेखा थी, इसका भी वैसे ही आता है, हमने ई पर प्रकार रखनी है, देखिए आप आधे से ज्यादा हम प्रकार खोल रहे हैं यहाँ पे लगभग, और हमने यहाँ पे चाप लगा देंगे इस तरह से, हम चाप लगा देंगे यहाँ पे, और अब हमने सी पर प्रकार रखना है, इन चापों को हमने ऐसे काट देना है इस तरह से, हमने काट दिया है ये आप देख सकते हैं, और हमने इनको मिला देना है, चाहे चापे आपस में कट रही है नॉर्मली यहाँ पे और आपकी यहाँ पे ये चापे कट रही है, तो हमने इनको चापों को डॉटेड
इस तरह से हम इनको मिला देंगे, ये आप देख सकते हैं। और जहां पे ये रेखा, ये चाप जो है इस रेखा को काट रही है, डी ई रेखा को, ये पॉइंट आपका आ गया बी। अब आपने क्या करना है, सी पर और डी पर प्रकार रखनी है, इस रेखा का आपने समद्विभाजन करना है। देख सकते हैं इस तरह से, ये देख सकते हैं आप, हमने इन चापों को भी आपस में मिला देना है। यहां पे आप इस तरह से चापों पे लाइन लगा सकते हैं, यहां डॉटेड लगाने की जरूरत नहीं है, ताकि यहां अच्छे से इंटीग्रेट हो जाएं कि यहां पे आपकी चापें आपस में मिल रही है, बाकी जो आपकी लाइन आएगी ये आपने डॉटेड शो करनी है इस तरह से। यहां पर लगाएंगे तो कोई गलत नहीं होगा। यहां पे जहां ये डी और ई रेखा को काट रही है समद्विभाजन वाली रेखा, ये पॉइंट आपका आ जाता है ए। अब आपने क्या करना है, बी और सी को डार्क मिला देना इस तरह से, और ए और सी को भी आपने डार्क मिला देना है, और बी और ए को भी आपने डार्क मिला देना है। इस तरह से ये आपका बनता है। अब मैं आपको एक और मेथड बता रहा हूं इसमें, क्योंकि बड़े लेवल पे जब आप जाओगे नाइन्थ क्लास में तो ये इस तरह नहीं बनेगा। अब कैसे बनेगा, सबसे पहले जब आपने ये एंगल आधा कर लिया था, इसका आधा कर लिया था, यदि कोई बड़ा बच्चा इसको देख रहा है तो ध्यान से समझे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये समद्विभाजन करने की जरूरत नहीं है हमारे, यदि आप बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो। देखो बेटा क्या होता है, ये जो आपका कोण है ना, ये कोण आपका, ये आपका कोण, इसके समानांतर रेखा हमने लेनी है सी से, ये देखिए दिख रही है। आपने क्या करना होता है, इतना कोण यहां ले लिया, इतना कोण आपने यहां ले लिया, और इस कोण का आधा कर दिया, इस कोण का भी आधा कर दिया। ये समद्विभाजन जो हमने किए इसकी जरूरत नहीं होती है, छोटे लेवल पे ये इस तरह से हम करवा रहे हैं, क्योंकि सेवंथ क्लास है तो छोटे क्लास है, छोटा स्टैंडर्ड है। बट अगर हाई स्टैंडर्ड में आप कर रहे हो तो इस समद्विभाजन की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में ये प्रश्न करते हुए भी आ रहा था कि हम इस तरह भी कर सकते हैं, पर ये सेवंथ क्लास है इसलिए मैं नहीं कर पाया उस तरह से। पर मैं आपको समझा सकता हूँ, यदि बड़ा बच्चा कोई इस वीडियो को देख रहा है या कोई अध्यापक साथी देख रहा है तो आप गलत ना करें। यदि इस तरह का बच्चे ने नहीं लगाया है, आपके समद्विभाजन नहीं किया है, तो भी आपका ये सही क्वेश्चन आता है। ये आप देख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखिए जो आपने एंगल लिया था ना, ये वाली रेखा जो है ये हमारे पास है, तो इसके समानांतर हमने, ये देखिए यहाँ पे, अगर आपको समानांतर रेखा सही लेनी आती है तो ये देखिए बिल्कुल आ रही है। यहाँ से मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे मैं प्रकार और फुट्टा रखा हूँ मैंने यहाँ पे, और यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए आ रही है इसके समानांतर रेखा, इस तरह से ही आती है। तो सेवंथ क्लास है, आपने इसी तरह से करना है जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, तो आपको पूरे पूरे मार्क्स जरूर मिलेंगे बच्चों। इस तरह से ये आपका प्रश्न जो है बनता है। नाइन्थ क्लास में ये प्रश्न है पर उसमें समद्विभाजन नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है।